कब्जे से छूटी 46 नर्सें आज वतन वापसी करेंगी। नर्सों को कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल से विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। इराक में आईएसआईएस आतंकियों के चंगुल में रिहा होने वाली 46 भारतीय नर्सें आज सुबह भारतीय विमान से केरल के कोच्ची एयरपोर्ट पहुंचेंगी। All I can say is they are on the road. I do not know what their destinations are. We will confirm to you as these things confirmed information is available. इन नर्सों को आतंकियों ने रिहा करने के बाद कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल भेज दिया था, जहां से विशेष विमान से ये भारत पहुंचेंगे। इन 46 भारतीय नर्सों को आतंकियों ने तिकरित के एक अस्पताल से अगवा कर लिया था। आतंकी इन्हें अगवा करके मसूल ले गए थे। इस बीच भारत में इन्हें छुड़ाने को लेकर कूटनीति तेज हो गई थी। नर्सों को सकुशल भारत लाने के लिए केरल के मुख्यमंत्री उमान चांडी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। इसी कूटनीति का नतीजा है कि आतंकी नर्सों को छोड़ने पर राजी हो गए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर इन नर्सों की उनके घर वालों से बात हुई। उन्होंने घर वालों को बताया कि उन्हें आतंकियों ने इरबिल एयरपोर्ट पर जाने के लिए कहा है। इसी के बाद से इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि 46 भारतीय नर्सें जल्द भारत आ सकती है। विदेश मंत्रालय और केरल सरकार ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि आज सुबह ये सभी नर्सें भारत पहुंच जाएंगी। यूपी के मुरादाबाद में लाउडस्पीकर विवाद ने बीजेपी की महापंचायत को लेकर प्रशासन और बीजेपी आमने सामने आ गए। टकराव के हालात इस कदर बिगड़े कि जिला अधिकारी चंद्रकांत पथराव में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। शुक्रवार को यूपी के मुरादाबाद में महापंचायत पर रोक को लेकर जमकर बवाल हुआ। बवाल को काबू करने पहुंचे मुरादाबाद के डीएम चंद्रकांत बुरी तरह से घायल हो गए। डीएम पर उस समय हमला हुआ जब विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को वो समझाने पहुंचे थे। मुरादाबाद के कांठ में उस समय तनाव बढ़ गया जब धारा 144 लागू होने के बावजूद महापंचायत में शामिल बीजेपी नेता और सांसद पहुंच गए। महापंचायत एक मंदिर से जबरन लाउड स्पीकर उतारने के विरोध में बुलाई गई थी। एहतियात के तौर पर पुलिस ने बीजेपी विधायक संगीत सोम समेत 3 सांसद नेपाल सिंह, सतपाल सिंह और कवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। घंटों रेलवे ट्रैक जाम रखा गया और जमकर पुलिस पर पथराव हुआ। इस पथराव में मुरादाबाद के डीएम का सिर फट गया। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में घंटों संघर्ष हुआ। बवाल में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बीजेपी सांसदों और नेताओं की वजह से हंगामा ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी सांसद महापंचायत में शामिल होने की जिद पर अड़े थे, जबकि प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी। पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान को याद आए बीते दिन। न्यूज 24 से खास बातचीत में रामविलास का रेल मंत्री न बन पाने का दर्द बाहर आ गया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के दिल में रेल मंत्री न बन पाने की कसक अब भी है। दरअसल रामविलास पासवान शुक्रवार को रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मिलने उनके दफ्तर गए थे, जो कभी बतौर रेल मंत्री रामविलास पासवान का दफ्तर हुआ करता था। न्यूज 24 ने जब रामविलास पासवान से उनके रेल मंत्री होने के दिनों के बारे में सवाल पूछा तो रामविलास पासवान के चेहरे के भावों ने साफ कर दिया कि रेल मंत्री न बनाए जाने का दुख कहीं न कहीं उनके मन में अब भी है। याद आया कि आप रेल मंत्री के तौर पर यहाँ पे आते थे, कुछ कसक होती थी कि रेल मंत्री मिलता ज्यादा अच्छा लगता? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग काफी दिन के बाद आए थे और अच्छा हुआ अपने रूम को देख करके अच्छा लगा है ना, तो कल मतलब ठीक है। सुना आपने, रामविलास पासवान ने भी माना कि अपने पुराने दफ्तर में आकर उन्हें अच्छा लगा। हालांकि वो खुलकर कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन जो बात जुबान नहीं कह पाती कभी कभी उस बात की गवाही चेहरा दे देता है। रामविलास पासवान के साथ उनके बेटे सांसद चिराग पासवान भी थे। जब यही सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग सवाल को हंसकर टाल गए। अच्छा नहीं होता अगर रामविलास जी रेल मंत्री बन जाते? थैंक यू। पासवान एनडीए सरकार में जून 1996 से लेकर मार्च 1998 तक रेल मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी पासवान को रेल मंत्रालय मिलने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो पाई। महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं टूटने जा रही है शिवसेना और बीजेपी गठबंधन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन मजबूत है और कभी नहीं टूटेगी। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के भीतर शिवसेना से संबंध तोड़ने की आवाज उठने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि शीर्ष नेताओं द्वारा शुरू किया गया भगवा गठबंधन मजबूत है और इसमें किसी तरह की टूट नहीं पड़ी है। मुंबई में गुरुवार को बीजेपी राज्य परिषद की बैठक में कई नेताओं ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे 288 जगह पर तैयारी कर रही है, लेकिन हमने ये भी साफ किया है कि उसमें से जिन जगह पर बीजेपी लड़ेगी उन जगहों पर यह तैयारी बीजेपी के काम में आएगी, और जहां हमारे मित्र पक्ष लड़ेंगे, हमारे दोस्त लड़ेंगे, वहां हम उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता लाने की हमारी जिम्मेदारी है।
लेकिन मुंबई में किताब के विमोचन में पहुंचे उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना भाजपा गठबंधन दिवंगत बाल ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की विरासत है, लिहाजा उन्हें दूसरों के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये गठबंधन यूं ही जारी रहेगा। महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी के भीतर से 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की आवाज उठी है। पिछले दो दशक से शिवसेना 171 और बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है और माना जा रहा है कि बीजेपी नेता ऐसे बयान शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए दे रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में बाइक सवार लुटेरे एक बुजुर्ग महिला की चेन झपटकर भाग गए। झपटमारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सड़क पर चलते समय थोड़ा सावधान रहें, वरना ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग महिला की चेन पर बदमाशों ने दिन दहाड़े झपट्टा मारा और पास ही खड़े अपने साथी की बाइक पर बैठकर भाग खड़ा हुआ। घटना हरियाणा के यमुनानगर की है। ये बुजुर्ग महिला अपनी दोस्त के साथ अपने घर जा रही थी। इसी दौरान जब वो उस गली से गुजर रही थी, तभी बदमाशों ने इन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे एक बदमाश बाइक पर सवार होकर इनका पीछा कर रहा है, जबकि दूसरा बदमाश फोन पर बात कर रहा है। फिर बाइक सवार एक जगह रुक जाता है और फोन पर बात करने वाला शख्स मौका मिलते ही पीछे से महिला की गर्दन पर हाथ मारता है, चेन झपटता है और इंतजार कर रहे अपने साथी की बाइक पर बैठकर फुर्र हो जाता है। चेन छीनने के बाद महिला बदमाशों के पीछे भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये देखिए, एक बदमाश इस पार की दीवार फांद कर आता है और अपनी बाइक लेकर वो भी भाग जाता है। यानी ये भी उन चेन लुटेरों के साथ मिला हुआ है। झपटमारी की यह घटना पास ही के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस अब इस फुटेज के सहारे बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद फिर हरियाणा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। चेन झपटने की इस तरह की घटना यहाँ आम हो गई है, लेकिन लुटेरे पुलिस की चंगुल से बाहर हैं। राजधानी दिल्ली में पालतू कुत्तों को लेकर हुए झगड़े में गई एक इंसान की जान और तीन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में दो पालतू कुत्तों के लिए मचा कत्लेआम। किसी का हाथ जख्मी हुआ, किसी के चेहरे पर चोट आई तो किसी का सर जख्मी हुआ। जहांगीरपुरी इलाके के एक पार्क में इस परिवार का कुत्ता पड़ोसी के कुत्ते से झगड़ गया और कुत्तों की इस लड़ाई में दोनों परिवार भी आपस में उलझ पड़े। कुत्तों को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद देखते ही देखते खौफनाक खूनी संघर्ष में तब्दील होते देर नहीं लगी। कुत्ते पर मचे खूनी घमासान में इन तीन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन झगड़े में इन्हीं के परिवार के ऋषिराज की मौत हो गई। वहीं हमले के आरोपियों ने इनके साथ भी किस बेरहमी से पिटाई की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। पीड़ितों की शिकायत के बाद जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हैदराबाद में लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। एक प्लेसमेंट एजेंसी ने स्विट्जरलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठग लिए गए करोड़ों रुपए। पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के सपनों को छला गया है। नौकरी के नाम पर इन्हें मिला है सिर्फ धोखा। मामला हैदराबाद का है, जहां 100 से ज्यादा नौजवानों को जालसाजों ने लगा दिया चूना। बीएस राव नाम की एक प्लेसमेंट एजेंसी यहां के नौजवानों को स्विट्जरलैंड की केमिकल फैक्ट्री में नौकरी दिलवाने की बात कहकर उनसे मोटी रकम वसूलती थी और उन्हें एयर टिकट भी देती थी। लेकिन जब वो स्विट्जरलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि उनकी टिकट तो कई दिनों पहले रद्द हो चुकी है। करीब 100 से ज्यादा नौजवान इन जालसाजों के चंगुल में फंसकर अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे हैं। 4 तारीख को है बोल के टिकट दिए तो कंफर्म करे तो 160,000 बन के हमला आया। आज आए तो खाली वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है बोल के खाली टिकट दे के हमारे को घुमा के अब यहाँ ला के छोड़े हमारे। एजेंसी से ठगे जाने के बाद लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और बीएस राव प्लेसमेंट एजेंसी के दो मालिकों यूसुफ और पवन को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि जालसाजों का शिकार हुए 105 युवकों में से 74 युवक तेलंगाना के वारंगल जिले के हैं और इन्होंने यूसुफ की बात पर यकीन कर 1.5 लाख से लेकर 1,75,000 रुपए तक दिए। कंपनी वहां इन्हें किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं बल्कि खेतों में काम करवाने के लिए भेज रही थी। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने किया है एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सेक्स रैकेट को भेज रही थी। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने किया है एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सेक्स रैकेट को पति पत्नी मिलकर चलाते थे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद पुलिस ने सेक्टर 91 के सूर्यनगर इलाके के इस मकान में छापा मारकर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी एक दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि काफी समय से सूर्यनगर इलाके में दंपत्ति दिल्ली के आसपास के इलाकों से लड़कियों को लाकर यहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाता है। इस बाबत पुलिस ने एक टीम तैयार की और उस मकान पर छापा मारा तो यहां से 5 महिलाएं और 2 युवकों को आपत्तिजनक हालत में पाया। ये पब्लिक से और वुमेन सेल से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी
कि सूर्य विहार जो हमारे इलाके में पड़ता है पल्ला चौक पे, वहाँ पे एक लेडी और उसका हस्बैंड प्रोस्टिट्यूशन का इस तरीके से काम चलाते हैं। और हमने तुरंत पुलिस की एक वेडिंग पार्टी हमने तैयार करी, प्रोसिक्यूट करी, और हमने तुरंत उसको एक मौके पर पहुँचकर रंगे हाथों में उनको गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने सभी महिलाओं और युवकों समेत वेश्यावृत्ति चलाने वाले दंपति को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि सेक्स रैकेट का जाल आखिर कहां तक फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई ने महंगाई रोकने में विफल रहे मोदी का बचाव करते हुए कहा है कि मोदी कोई जादूगर नहीं है जो इतने कम समय में सब कुछ ठीक कर देंगे। महंगाई रोकने में विफल रहे मोदी और उनके मंत्री की टीम का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री के बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी कोई जादूगर नहीं है जो सब इतनी जल्दी ठीक कर देंगे। इंदौर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सोमा भाई ने कहा कि लोगों ने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना है, जादूगर को नहीं। जादूगर छड़ी घुमाते ही चीजें बदल देता है, यहाँ आपको कुछ वक्त तो देना ही होगा। मैं ये समझता हूँ इतने बड़े देश का काम है, कई बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, तो लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, जादूगर को नहीं। जादूगर को बिठाते हैं तो लकड़ी चला के कर सकते हैं, उनको सोचना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे जाके होने वाला है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसी तरह के काम इस देश में होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक ऐसे फैसले किए हैं जिनसे महंगाई बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इनमें रेल किराए बढ़ाने से लेकर डीजल के दाम बढ़ाने तक के फैसले शामिल हैं। इन फैसलों की वजह से विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के वायदे का क्या हुआ। हालांकि ये संयोग ही है कि जिन मनमोहन सिंह को सत्ता से हटाकर नरेंद्र मोदी अच्छे दिनों के वादे के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, समस्याओं को सुलझाने के नाम पर उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, और तब बीजेपी वालों ने उनके इस बयान का जमकर विरोध किया था। मुंबई के दादर के स्कूल में 13 साल की एक मूक बधिर छात्रा के साथ मोलेस्ट्रेशन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के दादर इलाके के इस स्कूल की एक मूक बधिर बच्ची ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ एक टीचर पर शारीरिक छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस की माने तो चॉकलेट का लालच देकर प्रिंसिपल ने पीड़ित बच्ची के साथ कई बार शारीरिक छेड़छाड़ की। मोलेस्टेशन की कंप्लेंट है, एक बच्ची ने हमारे पास कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेंट के प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ है। दादर पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट किया है और उनकी कस्टडी 7 जुलाई तक ले ली है। पीड़ित बच्ची का ये भी कहना है कि प्रिंसिपल मैगजीन पर छपी अश्लील फोटोज भी दिखाया करता था और एक टीचर के साथ मिलकर अक्सर कई दूसरी बच्चियों के साथ भी अपनी काली करतूतों को अंजाम देता था। इस मामले में स्कूल की कई और लड़कियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने प्रिंसिपल और टीचर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि इस घिनौने खेल में सिर्फ प्रिंसिपल और टीचर शामिल थे या तार दूर तक फैले हैं। साल 2011 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड यासीन भटकल ने कहा है कि उसे इस धमाके पर कोई अफसोस नहीं है बल्कि गर्व है। मुंबई में 2011 में हुए सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल ने कहा है कि उसे मुंबई ब्लास्ट का कोई अफसोस नहीं है बल्कि खुद पर गर्व है। भटकल ने पुलिस को बताया कि वो नहीं मानता है कि उसने जो विस्फोट किया है वो एक अपराध है। भटकल और उसके एक साथी ने पुलिस को यह भी कहा कि 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए उसने 2005 के बाद से भारत के अलग अलग शहरों में ब्लास्ट किया। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने भटकल और उसके साथी अख्तर के खिलाफ 2011 के पहले विस्फोट मामले में 16 जून को 300 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। महाराष्ट्र एटीएस ने दोनों को इस साल 5 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने दोनों को हिरासत में लेने की एटीएस की मांग को मान लिया था। एटीएस के मुताबिक 13 जुलाई 2011 को मुंबई के झावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और कबूतर खाना में हुए विस्फोट की साजिश भटकल ने रची थी। इन विस्फोटों में 21 लोग मारे गए थे और 141 लोग घायल हुए थे।